हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। वक्त बदला, सोच बदली, लेकिन वक्त के साथ एक चीज नहीं बदली, वो है एक अटूट विश्वास, खूबसूरती का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। रतनलाल सी भावना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। एक ओर देश डिजिटल होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल खतरे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कंप्यूटर्स को हैक करने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसे जलगांव का रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स भी नहीं बच पाया। संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बाफना ज्वेलर्स के सिद्धार्थ भापना ने बताया कि 25 नवंबर को उनका डाटा हैक कर लिया गया और हैकर ने उस डाटा के बदले लगभग 60 लाख रुपए की मांग की। हालांकि सिद्धार्थ बापना ने यह भी कहा कि हमारे सर्वर्स की वजह से हमारा डाटा सुरक्षित है और हमें किसी को भी उगाही देने की जरूरत नहीं है। 25 नवंबर को हम लोगों का सिस्टम कुछ देर के लिए डाउन हुआ था और जब सिस्टम चालू हुआ तो हम लोगों को एक चीज नोटिस हुई कि कुछ डेटा हम लोग का हैक हुआ है। हैकर्स ने वो डेटा की जगह रिप्लेस करके हम लोग को एक फाइल भेजी, जिस फाइल के अंदर एक रैंसम की मांग की थी, जो कि $980 पर कंप्यूटर का रैंसम उन्होंने मांगा था। अप्रॉक्सिमेटली 80 से 100 कंप्यूटर हमारे पास में है, जिसकी एक अप्रॉक्स टोटल 60-65 लाख रुपीज के आसपास की होती है जो रैंसम मांगा है उन्होंने। फॉर्चुनेटली हम लोग का डेटा 100% बैकअप रहता है, पूरा बैकअप डेटा का हमारे पास है, जिसकी वजह से डेटा का लॉस कुछ नहीं हुआ है। तो इसके अंदर बिलिंग का डेटा, अकाउंट्स का डेटा, कुछ डेटा इंक्रिप्ट हुआ है, लेकिन हमारे पास बैकअप होने के कारण हम लोगों को कोई लॉस नहीं हुआ। बट हम लोगों ने साइबर क्राइम के साथ इसकी कंप्लेंट उसी दिन रजिस्टर कर दी थी, FIR भी लॉन्च हो चुकी है। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम तेज हो रहे हैं, शक्तिमान नहीं। पहले खाता बही हुआ करते थे, जिसे ऐसे दूर बैठकर हैक नहीं किया जा सकता था। पहले हमें फोन नंबर याद रहते थे, आज सब कुछ डिजिटल रूप में है। हम में से तो कई ऐसे होंगे जिन्हें अपने घरवाली का नंबर भी याद नहीं होगा। ऊपर से अगर फोन गुम गया तो बस नंबर भी गुम हो जाता है। इन दिनों बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए हमें सतर्क रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर इसी तरह हैकर्स हावी होते रहे तो पेपरलेस वर्किंग को भी धक्का पहुंच सकता है। इंडिया अब तक समाचार आप सभी से अपने डेटा को और ज्यादा सुरक्षित करने की अपील करता है, ताकि डिजिटलाइजेशन के चक्कर में कहीं आपको चक्कर न आ जाए। जलगांव से धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।